Now I request Sri Majid Memam Saab, NCP party ka. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी स्टेज पर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ साउंड बड़ा कर दो भाई अब्दुल्ला साहब, आंध्र प्रदेश के और दूसरे विभागों के तमाम नेतागण और मित्रों, चंद्रबाबू नायडू साहब की डायनामिक मुख्यमंत्री के कार्य से देश भर में हलचल है। और अगर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे चल रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। आज की सरकार, केंद्र की सरकार, जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसने संविधान की परवाह नहीं की है, अगर उसके खिलाफ भारत की जनता खड़ी है और उनको साथ लेकर चलने में जो बीजेपी के खिलाफ जितने दल हैं उसमें अगर चंद्रबाबू नायडू साहब आगे आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार उनके साथ गलत व्यवहार करें। आंध्र प्रदेश के अधिकारों को, आंध्र प्रदेश के जो पर इंडिविजुअल स्टेटस है, उसको संविधान के तहत केंद्र सरकार को मानना होगा, आज नहीं तो कल। हम जब तक ये हमारा हम मसला हल नहीं होगा, हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में हमें केंद्र सरकार को, जिसने हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया है, उसको अपनी जगह बताएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता का एक समुद्र उठकर चंद्रबाबू नायडू और उनके तमाम साथियों के साथ चलकर देश में एक सरकार को बदलने की एक मुहिम चलाएगा। और मेरी शुभकामनाएं शरद पवार साहब की तरफ से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के तमाम नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय राज। धन्यवाद श्री मजीद मीमम गारू, एनसीपी अध्यक्ष श्री शरद पवार गार तरफ अभिनंदन कृतज्ञता मदत कृतज्ञता।